नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिया है, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उस लिंक में जाकर भी हमसे बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इन वीडियोज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कॉपीराइट एक्ट के कुछ टॉपिक पे। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा है, मैंने आपको बताया था कि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, आपके क्या क्या अपवाद होते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने उल्लंघन कर दिया है कॉपीराइट एक्ट के तहत, तो आप उसके तहत किन किन रेमेडीज में आप जा सकते हैं, किन किन रेमेडीज के तहत आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, याद रखना है तो याद रख लीजिए। सेक्शन 55 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत रेमेडीज कुछ दी गई हैं। तीन तरीके से रेमेडीज के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जैसे सबसे पहले इंटरलोकेटरी इंजंक्शंस के बारे में बात की गई है, दूसरे नंबर पे पिक्यूनरी रेमेडीज हैं और तीसरे नंबर पे क्रिमिनल रेमेडीज हैं। इन तीन रेमेडीज के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको, अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर आप कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, इंफ्रिंजमेंट करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहले इंटरलोकेटरी इंजंक्शन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है, क्योंकि अगर आप इस रेमेडी के थ्रू अगर आपको रोक भी सकते हैं, अगर आपने शुरू कर दिया है या आप शुरू होने वाला है, तो आपको कोर्ट कमांड कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है उस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण देकर समझाता हूं, आपको समझने में आसानी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बुक में, किसी कारखाने में, मान लीजिए कोई बुक किसी ने लिखी है और उस पर उसका कॉपीराइट है, और वो बुक की कॉपीज अगर मान लीजिए छप रही हैं, तो उसको रोक सकता है, या छप गई हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई है। तो इन दोनों केसेस में कोर्ट के पास पावर है कि उसको रोक सकता है और सेल होने से भी बचा सकता है। इन दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें ये कमांड भी दे सकता है जो ये कॉपीराइट का जिसने इंफ्रिंजमेंट किया है कि आपको रिस्टोर करे पुरानी पोजीशन में। इसका मतलब ये है, उन बुक्स के ऊपर रोक लगा देगा, वो उसको बिल्कुल भी आगे पब्लिश करके बेच नहीं सकता, ना ही सेल कर सकता है। दोस्तों, इसमें वो तीन पॉइंट्स के तहत गवर्न करता है, तीन पॉइंट्स को कंसिडर करता है ये इंजंक्शन ग्रांट करने के पहले। सबसे पहले दोस्तों, इसमें बात करता है प्राइमा फेशे के बारे में, मतलब शुरुआती तौर पे ये टोटली उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। एविडेंस देखता है, सर्कमस्टांसेस देखता है और फिर डिसाइड करता है कि किस तरीके की रिलीफ आपको देनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, उसमें होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, माने कह सकते हैं सुविधा का संतुलन। इसको भी मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि किस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कोई मकान था, उस मकान में किसी ने बनाया और उसमें रह कोई और रहा था, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसने वो मकान को बनाया है और उसमें कुछ डैमेज होता है, तो ज्यादातर नुकसान तो उसने सहा है बजाय कि जो रह रहा था वहां। तो इसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देख के उसको ज्यादा फायदा दिया जाएगा जिसने वो मकान बनाया है। तीसरा दोस्तों, होता है इसमें इररिपेलेबल इंजुरी, जिसको कहते हैं अपूर्णीय क्षति, जो कि कभी फुलफिल नहीं हो सकती, जो नुकसान हुआ है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। इसको दोस्तों मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं, आपको समझने में आसानी जाएगी। जैसे दोस्तों, मैं बात करता हूं कि किसी रेपुटेटेड कंपनी के बारे में, या सपोज हर घर में इस्तेमाल होता है, जैसे आप सपोज बात कर ले घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की, ये महज एक उदाहरण है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर उस कंपनी का पाउडर या उस कंपनी का फॉर्मूला किसी कंपनी ने चुरा लिया है और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स गलत ऐड कर दिए हैं और उसके बाद उसको बेच रहा है, तो दोस्तों नाम तो उसका डिटर्जेंट का उसने वही रखा है, लेकिन इसमें डैमेज क्या हुआ है? डैमेज हुई है उस कंपनी की गुडविल। जो फॉर्मूला उसने गलत बनाया उसको तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस कंपनी की रेपुटेशन थी खरीद की, वो तो डैमेज हो गई है। तो दोस्तों, ये आती है अपूर्णीय क्षति में। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करता हूं आपसे पिक्यूनरी रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं। ये जनरली दोस्तों, मैंने दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले दोस्तों, ये कि जिसने प्रॉफिट लिया है उसकी रिकवरी, और दूसरा हमें जो डैमेज किया गया है उसकी रिकवरी। अगर मान लीजिए दोस्तों, किसी ने कॉपीराइट एक्ट के तहत उल्लंघन करते हुए हमसे, हमने कोई पाउडर, जैसे खड़ी डिटर्जेंट को ही ले लेते दोस्तों, अगर मान लीजिए उसने वो पाउडर बना के उसको मार्केट में बेचा है, तो दोस्तों उसने कितना बेचा है हमारे फॉर्मूला को यूज करते हुए, कितना प्रॉफिट कमाया है,
कोर्ट के पास पावर होता है कि वो उससे रिकवरी करे और जो उसने प्रॉफिट कमाए वो हमको दिलाया जाए, क्योंकि उस पर हमारा कॉपीराइट था। और दूसरा दोस्तों, दूसरा होता है कंपनसेटरी डैमेज। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि उसने वो पाउडर भेज के मानसिक और हमको मॉनेटरी कितना नुकसान पहुंचाया है, उसकी रिकवरी करके हमको उस चीज का फायदा दिलवाना। उसके बाद आती है दोस्तों क्रिमिनल रेमेडीज। क्रिमिनल रेमेडीज क्या अवेलेबल है दोस्तों, सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट के तहत उसमें ये बताया गया है कि क्रिमिनल रेमेडीज क्या क्या होंगी। ये कोर्ट के पास पावर होता है, ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर होता है दोस्तों। अगर कोर्ट के पास एविडेंसेस हैं प्रॉपर, सर्कमस्टांसेस के थ्रू जाके वो देखेगा तो भी आपको वो सजा दे सकता है। अब दोस्तों क्या सजा देगा, सबसे पहले आपको जेल भेज सकता है। जब जेल भेजेगा तो दोस्तों कम से कम 6 महीने के लिए जेल भेजेगा, और उसका डिस्क्रिशन होता है कि जेल पीरियड का जो टाइम होता है इसको कम से कम 3 साल तक के लिए बढ़ा सकता है, मतलब मिनिमम 6 मंथ्स, जो कि एक्सटेंड कर सकता है अप टू 3 ईयर्स। उसके बाद दोस्तों इतना ही नहीं, आपके ऊपर एक फाइन भी लगा सकता है। जो फाइन अमाउंट है वो कम से कम 50,000 रुपीज है, जो कि एक्सटेंड कर सकता है वो 2 लाख रुपए तक। उसके बाद दोस्तों उसके पास एडिशनल पावर्स हो सकते हैं सर्च और सीजर का। ये कोर्ट के पास पावर होते हैं, अगर उसको ये पता है, उसकी जानकारी में आपने एक एविडेंसेस दे दिए हैं दोस्तों कि फला फला गोडाउन में हमारी बुक है जो इसकी कॉपीज छप रही हैं, तो उसके पास पावर होता है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है और सीजर भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों उसके पास ये भी पावर होता है कि डिलीवरी करवाए, आपको जो रिकवरी करे डिलीवरी करवाए, मतलब जो ओरिजिनल ओनर होता है उसको वापस करवाए। जैसे यही उदाहरण समझ लीजिए कि आपके कोई गोडाउन था जहाँ पे आपकी बुक की कॉपीज की कॉपी हो रही थी, उसको कॉपीज को छप के और उसको बेचने वाले थे, और आपने कोर्ट को ये इन्फॉर्म कर दिया, तो ये भी पावर है कोर्ट के पास कि वो उसको रुकवा के उसको रिकवर करके और पूरी कॉपीज आपको दिलवा सकता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इन सब चीजों के बाद भी आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, रिपीटेडली ये कॉपीराइट को आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, अभ्यस्त हैं, या कहना चाहिए कि आपकी आदत है उस चीज को ब्रीच करने की, तो ये जो सजा का प्रावधान है ये बढ़ जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसमें मिनिमम 1 साल की सजा होगी अगर आप दोबारा इसमें कन्विक्ट हुए हैं या दोबारा पकड़े गए हैं कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करते हुए, तो उल्लंघन करते हुए, तो जो कि सजा 3 साल तक बढ़ सकती है। मतलब मिनिमम सजा इसमें 1 साल तो आप जेल जाएंगे ही, जो कि मैक्सिमम कोर्ट 3 साल तक भी बढ़ा सकता है, साथ ही जुर्माना की राशि को भी वो बढ़ा सकता है। जैसे कि दोस्तों 1 लाख रुपए तक का मिनिमम उसका पावर है, जो कि जुर्माना की संख्या को, जुर्माने की क्वांटिटी को बढ़ाकर वो 2 लाख तक भी ले जा सकता है। मतलब मिनिमम 1 लाख का जुर्माना तो आपके ऊपर कोर्ट इम्पोज कर ही सकता है कोर्ट। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमारे साथ इसी तरह वीडियोस में बने रहें, हम आपको इसी तरह की जानकारियां और देते रहेंगे और आपको मदद करते रहेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और थी, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इसी तरह आप दोस्तों अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।